सातवीं सदी हिजरी, बारहवीं सदी ईस्वी, जबकि दुनिया की तमाम मिसाई ताकतें आलम इस्लाम को मिटा देने के लिए यकजा हो गई थी और अर्ज मुकद्दस पर सलीब का निशान एक अरसे से हिलाली परचम की गैरत को ललकार रहा था। यरूशलम हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है, वक्त की आवाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तारिक, तुम अपनी फौजों के साथ शिमाल से हमला आवर होना। जुनैद, तुम अपनी फौजें लेकर मशरिक से हमला आवर होना। अब्दुल अजीज, तुम अपनी फौजें लेकर मगरिब से हमला आवर होना और हम अपनी फौजों के साथ जुनूब से हमला आवर होंगे और उसके बाद शरीफ बिन मुजाहिद। रहने दो तुम। यूसुफ बिन ज़हीर, अहमद बिन हसन, अहमद बिन हसन कहाँ है? मैं पूछता हूँ, अहमद बिन हसन कहाँ है? वो अपने खेमे में किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है? इस रोज लड़ाई ना हो, वो सारा दिन लेकिन किताबें उसे निकम्मा बना दे। सलार, हो सकता है वह महज एक सिपाही बनने के बजाय किसी फौज की रहनुमाई के लिए पैदा हुआ। तुम्हारा मतलब है किताबें पढ़ पढ़कर? हाँ सलार, एक आम सिपाही शायद तलवार से ज्यादा किसी चीज की जरूरत महसूस न करे, लेकिन एक सालार किताब की जरूरत से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, तो अहले बगदाद सब के सब सालार हैं और वो फकत किताबें पढ़ते हैं। आपका तंत बजा, लेकिन अहले बगदाद अगर किताब के साथ साथ तलवार की जरूरत भी महसूस करते तो आलम इस्लाम का हर फर्सन उनकी क्यादत में लड़ना अपने लिए बायस फख्र समझता। सालार, आपने मुझे तलब किया? आओ अहमद, परसों तुम सचमुच एक सिपाही की तरह लड़ रहे थे, मुझे तुमसे हरगिज ये तवक्को नहीं। एक सालार को अपने सिपाहियों से बुरी तवक्कात नहीं वाबस्ता करना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा यूसुफ बिन ज़हीर से तारुफ हुआ है या नहीं? ये हमारे नए रफीक। मैं इनसे मुतारिफ हो चुका हूँ। अहमद बिन, आप तीर अपनी की मश के लिए नहीं आए, इसलिए सालार को आपकी तरफ से फिक्स हो रही थी, लेकिन मालूम हुआ कि आप अपने खेमे में कोई किताब पढ़ रहे हैं।
आप क्या पढ़ रहे थे? मैं हजरत खालिद बिन वलीद की फतूहात के वाकयात पढ़ रहा हूँ। माजी की इन दास्तानों में क्या मजा आता है आपको? सभी किताबें पढ़ के देखिए। अहमद एक बात बताओ, भला खालिद बिन वलीद की फतूहात ज्यादा थी या हमारे सुल्तान की? क्या ये सवाल मुजाहिदीन इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं? मेरा ख्याल है कि उस जमाने की जंगें मौजूदा जंगों के मुकाबले में मामूली लड़ाइयां हुआ करती। सालार में बेइल्मी को तो काबिल माफी समझता हूँ, लेकिन रियाकारी को काबिल माफी नहीं समझता। आप सुल्तान के सामने ऐसी बातें करके शायद उन्हें कुछ कर सकते, लेकिन वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। सलाहुद्दीन को आलम इस्लाम की नेक तवक्कुआत पूरा करने के काबिल बनाए और उसे खुशामदियों से महफूज रखे। ज़ैगम, फिल वक्त मश्क बंद करो और सब इधर आओ। हमने तुम्हारी बातें सुनी, बहुत दुख हुआ। कसूर सिर्फ यह है कि तुम जाहिल हो। तुम्हारी सजा यह है कि आइंदा 6 माह तक फुर्सत के औकात में अपने साथियों से अलग बैठकर तारीख पढ़ा करो। 6 माह बाद हम खुद तुम्हारा इम्तहान लेंगे। अगर तुमने हमारी तसल्ली कर दी तो तुम्हें तरक्की दी जाएगी, वरना तन्हाई में बैठने की सजा और बढ़ाई जाएगी। समझे तुम? जी सुल्तान माजूम। तुम्हारा नाम क्या है? सुल्तान माजूम, मेरा नाम अहमद बिन हसन है। और तुम्हारा? सुल्तान माजूम, यूसुफ बिन जहीर। अहमद, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तान माजूम, मैं मदीने से आया हूँ। और यूसुफ, तुम? सुल्तान माजूम, मैं बगदाद से आया। तुम दोनों मेरी फौज में कब शरीक हुए? सुल्तान माजूम, मुझे तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं और यूसुफ को 5 दिन। तुम मेरे मुतालिक गलत तवक्कुआत कायम करने के मुजरिम हो। आप मेरी तमाम बातें सुनने के बाद भी अगर मुझे मुजरिम करार देते हैं तो मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा। तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। सुल्तान माजूम, मैं इन्हें मना कर रहा था। तुम चुप रहो, बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें। सुल्तान माजूम, अगर आप मुझे गलती पर समझते हैं तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। हम तुम्हें सारे दस्त 12 दस्तों का सालार मुकर्रर करते हैं। हमने तुम्हारी जबान की काट अभी देखी है, जबकि पिछले चंद मार्कों में तुम्हारी तलवार की काट भी देख चुके हैं, जिससे तुम्हारी सलाहियतों का खासा अंदाजा हो गया है। यूसुफ। जी सुल्तान माजूम। तुम्हारी आवाज में एक सिपाही दी है। मुमकिन है तुम आगे चलकर अपने आप को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी संभालने के काबिल बना सको। हम तुम्हें सरे दस्त 5 दस्तों का सालार मुकर्रर करते हैं। और सुनो, मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि मेरे दिल में फकत जवामदी और शजाअत की इज्जत है, खुशामद की नहीं। हजरत खालिद के बारे में शायद मैं अपने जज्बे की सही तर्जुमानी ना कर सकूं। काश मैं मिस्र का सुल्तान होने के बजाय इस्लाम के उस मुजाहिद आजम की फौज का एक मामूली सिपाही होता। मैं अपनी जात से गाजियाने इस्लाम को पानी पिलाते हुए शहीद हो जाने वाली एक बुढ़िया का दर्जा बुलंद समझता हूं। मशकें जारी रहें। मुबारक 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 यूसुफ, मुबारक। इस एजाज पर तुम्हें जिस कदर भी मुबारकबाद दी जाए कम। शुक्रिया, आपको मुबारक हो, लेकिन इस मुबारकबाद का असल वक्त उस दिन होगा जब मैं यरूशलेम पर अपने हाथ से हिलाली परचम नस्ब कर सकूंगा। इंशाल्लाह। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है और इस दिन का इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं साहिदा को भी है, जिसकी निगाहें मेरे आने वाले रास्ते पर मेरी मंजर है।
रोज रात को तसव्वुर के घोड़े पर सवार होकर मैं बगदाद पहुंच जाता हूँ, पितावाना घर में दाखिल होता हूँ, साहिदा को आवाज देता हूँ। मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ती हुई आती है और बेकरारी से कहती है, आप आ गए कि यरूशलेम पर इस्लाम का परचम नस्ब हो गया है। और मैं उसका यह सवाल सुनकर शर्म से सर झुका लेता हूं। मुझे अपना हित पूरा किए बगैर साहिदा के पास नहीं जाना चाहिए। मैं अपने खैमे में वापस आ जाता हूं और फिर इसी इंतजार में कि वो वक्त कब आएगा जब मैं यरूशलेम की फतेह खुशखबरी लेकर उनके पास जाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द यूसुफ। यूसुफ, तुमने अपनी बीवी को खत भेजा था? हाँ, कुछ लोग रुखसत पर बगदाद गए थे, उनमें मौसम भी था। मौसम बगदाद में मेरा पड़ोसी है, मैंने एक खत साहिदा को उसके हाथ भेज दिया था। उन लोगों में से कोई अभी तक वापस नहीं आया? नहीं। यूसुफ, एक बात तुमसे कहूं, मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं भी मदीने में किसी को छोड़कर आया हूं। आप बहुत सब्र वाले इंसान। यूसुफ मेरे भाई, हम दोनों की जिंदगी का एक मकसद है और ये मकसद हमारे जाती लम्हों और खुशियों से बहुत बड़ा है। हमें इस मकसद के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यूसुफ, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें घर की कोई खबर मिलने वाली है, खुदा करे कोई अच्छी खबर हो। अच्छा, तुम अब आराम करो, रात बहुत हो गई है। फिर मान अल्लाह। तुम बहुत बड़े आदमी हो अहमद, काश मैं भी इतनी हिम्मत वाला होता। हमारी फौजों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिर क्या वजह है कि हाकिम शहर सुलह के लिए इस कदर बेचैन? मैं हाकिम शहर से यह पूछना चाहता हूँ, क्या ईसाइयों का खून इस कदर सर्द पड़ गया है? हम अपनी जानें लुटा देंगे लेकिन यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सुलह मंजूर नहीं, हम लड़ेंगे। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं, जंगे खोखले नारों से नहीं हौसले से लड़ी जाती है। तो क्या हाकिम शहर का हौसला पस्त हो गया? हिम्मत जवाब दे गई है? आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान के पैदर पे हमलों ने हमारी दिफाई कुव्वत की कमर तोड़ कर रख दी है। ये बहादुर नाइट्स मेरी इस बात की गवाही देंगे कि हमारी फौज हौसला हार चुकी है। हाकिम शहर का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, अब जंग जारी रखना नामुमकिन है। शहर वाले हों या सिपाही, सब सरासीमा हो चुके हैं। हम सुल्तान का फैसला कुल हमला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ये हकीकत है। तो फिर आप फौरन सुल्तान के पास सुलह का पैगाम लेकर जाएं। लेकिन सुल्तान पर हमारी इस कमजोरी को वाज़े नहीं होनी चाहिए। वो किस तरह? सुल्तान को यह बताया जाएगा, क्योंकि हम हल्के खुदा का नाहक खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए ये सुलह का पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। अगर सुलह की यह पेशकश सिद्के दिल से की जाती तो हमारे लिए काबिले कबूल होती, लेकिन इस सुलह से फरेब की बू आ रही है। सुल्तान मुअज्जम, हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आस्तीन में खंजर छुपाकर? आपको तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, यरूशलम पर ईसाई कब्जे के बाद मस्जिद उमर में पनाह लेने वाले मजलूम मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक जा पहुंचा था। मुल्ला, हमने ये अहद कर रखा है उस खून के एक एक कतरे का इंतकाम लिया जाएगा। यरूशलम बज़ोर शमशीर फतह होगा।